हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। भारतीय डाक विभाग में या इंडियन पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट होती है, पद होता है, जिसको कि पोस्टल इंस्पेक्टर या हिंदी में डाक निरीक्षक के नाम से जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में इसी पोस्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आप भारतीय डाक विभाग में पोस्टल इंस्पेक्टर या डाक निरीक्षक बनना चाहते हैं तो क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रहती है, एज लिमिट क्या रहती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, किस तरह से भर्ती प्रक्रिया होती है, सिलेक्शन प्रोसेस, साथ में पोस्टिंग एंड सैलरी के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पोस्ट पर अगर आप भर्ती होते हैं तो आपको सैलरी क्या पे की जाती है। वैसे तो भारतीय डाक विभाग की तरफ से बहुत से पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज होता है और सबसे ज़्यादा जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है वो होता है GDS पोस्ट के लिए। GDS पोस्ट के बारे में बहुत से कैंडिडेट क्या सभी को नॉलेज रहती है, लेकिन भारतीय डाक विभाग में बहुत से ऐसे पद हैं जिनके बारे में ज़्यादातर कैंडिडेट को जानकारी नहीं होती है। भारतीय डाक विभाग क्या अदर किसी डिपार्टमेंट में बहुत से अलग अलग पद होते हैं और सभी पदों के बारे में सभी कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो मैं जो अपने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि आपको सारे पोस्ट जो रहते हैं डिपार्टमेंट वाइज आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। आप भी अगर चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किसी पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में, अगर आप डिटेल चाहते हैं, या किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट होती इससे रिलेटेड अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट आप कर सकते हैं। सो आज मैं इस वीडियो में आपको पोस्टल इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है या पद है इसके बारे में बताऊंगी। अगर आप बनना चाहते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको इस वीडियो में सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड सैलरी ये सारे पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे ये पोस्ट किस ग्रुप से ये पोस्ट रहती है। तो ये जो पद है भारतीय डाक विभाग में डाक निरीक्षक का जो पद है ये ग्रुप बी के अंतर्गत आता है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है एंड नॉन गजटेड पोस्ट है। अगर आप इस पद पर भर्ती होते हैं तो आपकी ये ग्रुप बी की पोस्ट रहती है, नॉन गजटेड रहती है। अब इसमें हम बात करेंगे सैलरी की। तो इसमें जो पोस्ट है इस पोस्ट पर आपको सैलरी लेवल 7 से पे की जाती है। ग्रेड पे आपका 4600 रहेगा अगर आप इस पोस्ट पर भर्ती होते हैं एंड सैलरी 44,900 से 1,42,400 पर मंथ तक रहती है। लेकिन इसमें जो इनिशियल सैलरी है 44,900 है, इसके अलावा HRA TA DA जो रहता है इसमें आपका सिटी पर भी डिपेंड करता है, जो XYZ जो सिटी डिवाइड रहती हैं उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें जो आपकी पोस्टिंग रहती है जो भर्ती प्रक्रिया रहती है इसमें ऑल इंडिया लेवल में जो डिवीज़न सब डिवीज़न्स जो रहते हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहती है। ओके चलिए नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो इसमें जो भर्ती होती है उसमें 33.34% तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है जिसमें फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं एंड जो 66.66% जो रहता है ये LDCE के लिए होता है, मींस ये डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है, ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं है। जैसे अगर आप पोस्ट PA और ऐसे जो रहते हैं पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट या अदर कोई पोस्ट है और आप प्रमोशन के लिए जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस होते हैं अगर वो एग्जामिनेशन देते हैं तो उसके बाद आप जो पोस्टल इंस्पेक्टर है या डाक निरीक्षक पद है इस पर आप भर्ती हो सकते हैं एग्जामिनेशन दे करके। और अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस आप भर्ती चाहते हैं तो इसमें 33.34% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा भी भर्ती की जाती है। सो फ्रेशर कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है ग्रेजुएशन। आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, मैथ्स, बायो या आप कॉमर्स से हैं, आप आर्ट्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो इसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर रखी गई है। ग्रेजुएशन बेसिस पर है तो आपकी जो मिनिमम एज रहेगी आई थिंक इसमें 20-21 रहने वाली है, क्योंकि आगे मैं जो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर या एग्जामिनेशन बताऊंगी उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए। 20 या 21 आपकी होना चाहिए क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेस्ड पर है। अपर एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है और ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरी में रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको कौन सा एग्जामिनेशन देना होगा तो SSC के द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा SSC CGL एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है।
अगर आप डाक विभाग में डाक निरीक्षक पद पर भर्ती चाहते हैं तो आपको SSC के द्वारा जो CGL एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, हर साल ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें आपको प्रेफरेंस, क्योंकि ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोस्ट पर भर्ती होती है इस एग्जामिनेशन के द्वारा, तो इसमें एक पद होता है डाक निरीक्षक का और आप प्रेफरेंस में डाक निरीक्षक को भी फिल कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप पोस्ट ऑफिस में या डाक विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती चाहते हैं, डाक निरीक्षक के पद पर भर्ती चाहते हैं, तो SSC के द्वारा SSC CGL एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। आप वो एग्ज़ाम दे करके अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में डाक निरीक्षक को फिल कर सकते हैं। इसमें आपके सिलेक्शन के बाद में प्रोबेशन पीरियड या ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है, जो कि 2 ईयर की रहती है। सो 2 साल का आपका इसमें प्रोबेशन पीरियड रहता है या ड्यूरेशन रहता है, इसके बाद स्थायी भर्ती कर दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, सो इंडिया पोस्ट ऑफिस में अगर आप पोस्टल इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, इसके बारे में सारी जो भी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड पोस्टिंग भी आपकी SSC CGL के द्वारा जो भर्ती की जाती है वो नेशनल लेवल पर, यानी ऑल इंडिया में कहीं भी आपको किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दी जाती है जिस डिपार्टमेंट में आप चाहते हैं। तो अगर आप डाक निरीक्षक पद पर भर्ती चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑल इंडिया में, क्योंकि इसकी जो पोस्टिंग रहेगी डिवीजन सब डिवीजन्स में रहती है, तो आपको ऑल इंडिया में जहाँ भी वैकेंसी होती है वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने क्षेत्र में चाहें तो वहाँ आपको मिल जाए, जहाँ भी इसकी वैकेंसी होगी वहाँ पर आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। ओके, सो ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी यहाँ पर पोस्टिंग, किसी भी डिवीज़न में या सब डिवीज़न में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब या पोस्ट के बारे में डिटेल चाहते हैं तो कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू।